वे कहाँ गए, वे कहाँ रहे, ये धूमिल अभी कहानी है। हमने तो उसकी नई कथा आजाद फौज से जानी है। नमस्कार, मैं हूँ राखी रक्षा और आप देख रहे हैं जीएम भारत। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उसी महान स्वतंत्रता सेनानी, भारत के वीर सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, जिनकी आज 125वीं जयंती पूरे भारतवर्ष में पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित पूरा भारतवर्ष आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। तो इस खास मौके पर पेश है जीएन भारत की स्पेशल रिपोर्ट। मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस नारे को बुलंद कर देश की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज 125वीं जयंती पूरे भारतवर्ष में मनाई जा रही है। बात उन दिनों की है जब सुभाष चंद्र बोस को इंडियन सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए उनके माता पिता द्वारा इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में भेजा गया था। कड़ी मेहनत कर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिविल सर्विस एग्जाम में चौथा स्थान प्राप्त किया। परंतु कुछ समय बाद भारत में बढ़ती राजनीतिक गतिविधियों के कारण नेताजी ने यह कहकर ICS का पट ठुकरा दिया कि इंग्लैंड के राजा के प्रति वफादारी की शपथ लेना उनके लिए संभव नहीं है। वे खुद को मातृभूमि की सेवा में समर्पित करना चाहते हैं। उनके इसी त्याग और समर्पण को सम्मान देते हुए 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही सरकार ने 125 रुपए के सिक्के का ऐलान किया। हालांकि इससे पहले भी 125 रुपए के सिक्के जारी किए जा चुके हैं। इससे पहले सांख्यिकी दिवस पर प्रशांत चंद्र महालनोबिस के जन्म दिवस पर सरकार ने सिक्का जारी किया था। इसके अलावा विश्व विख्यात महायोग साधक श्यामाचरण लाहिड़ी की 125वीं पुण्यतिथि पर 125 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया था। वहीं भारतीय रेलवे ने नेताजी के 125वीं जयंती के मौके पर हावड़ा कालका मेल का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस रखा है। वीर स्वतंत्रता सेनानी को नमन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा, महान स्वतंत्रता सेनानी और भारत के सच्चे सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी जयंती पर शत शत नमन। कृतज्ञ राष्ट्र देश की आज़ादी के लिए उनके त्याग और समर्पण को सदा याद रखेगा। देश के इस महानायक को जीएन भारत विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें जीएन भारत के साथ। धन्यवाद।